हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन बड़ी का सब्जी, और आप लोग देख ही सकते हैं कितना बढ़िया बना हुआ है। तो मैं किस तरह से बनाने बता रही हूँ, आप लोग देखते रहिए, वीडियो कहीं तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही टेस्टी वाला सब्जी बनाने बता रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देखिए, मैं गैस पर रख दी कढ़ाई, और मैं साबुत मसाला ले लूँ, देख रहे हैं आप लोग, दो तीन मिर्चा और दो तीन हरी इलायची, लौंग और काली मिर्च, जीरा, लहसुन, तेज़पत्ता, दो बड़ी इलायची, जावित्री, एक छोटा सा चक्री, ये फूल जो होता है, सारे साबुत मसाला मैं ले ली हूँ। तो दो देख रहे हैं आप लोग, मैं कराई हूँ रिफाइन ऑयल थोड़ा सा डाल के, सारे मसाले को डाल दी। अब ये थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है मैं काट रखी हूँ, अब इसे भी मैं डाल दे रही हूँ, और थोड़ा सा इसको भून लूँगी। इस प्याज को भी मैं काट रखी हूँ दो से दो प्याज, मैं इसे भी भून लूँगी, इसी में डाल दी। बिल्कुल आसान तरीके से बनाना बता रही हूँ दोस्तों, और बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगा ये सब्जी। एक बार खाएंगे, बार बार बना खाएंगे, इतनी टेस्टी ये सब्जी लगेगी। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रही हूँ, आप लोग देखिए। मैं मसाले तो थोड़ा सा भून लूँगी। ये थोड़ा टमाटर काट के रखी दो, मैं इसे भी मैं डाल दी, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो ऐसे चलाते हुए मैं इसी को भून ले रही हूँ सारे को। दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगता है ऐसे सब्जी खाने में, ऐसे सोयाबीन बड़ी की सब्जी। तो आप लोग बहुत खाएंगे, आप लोग देख रहे हैं। इसे मैं एक घंटे के लिए पानी भिगो रखी थी, कैसे फूल के सॉफ्ट हो गया है सोयाबीन बड़ी। अब मैं मिक्सी जार में डाल के इसको पीस लूंगी, सारे सोयाबीन बड़ी को। देखिए कैसे इसे फाइन पीस आ गया। तो मैं एक थाली में इसको निकाल लेती हूँ दोस्तों। तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से बनाने होता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। इधर मसाला भी ऐसे थोड़ा ठंडा हो गया, तो मैं इसी मिक्सी जार में डाल के पीस ले रही हूँ। थोड़ा सा ऊपर से मसाला डाल दे रही हूँ, हल्दी और धनिया पाउडर एक चम्मच, तो एक चम्मच सफ़ेद तिल आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा सा काजू है, बिल्कुल अपना वाला काजू, ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेती हूँ। आप लोग देख रहे हैं इसका पेस्ट बन गया, बिल्कुल बारीक मैं पीस ली मसाले को। अब मैं सोयाबीन बड़ी को जो पीस के रखी थी, इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दी, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, ये दो मिर्च देख रहे हैं आप लोग, इसको मैं बारीक काट के डाल दे रही हूँ। ऐसे काफ़ी इससे स्पाइसी टेस्ट बनेगा। और इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाले डाल दे रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, आप लोग देख रहे हैं, या थोड़ा सा बेसन मेरा दो चम्मच जाएगा, एक चम्मच, और एक चम्मच मैदा डाल दी, एक एक दो दो चम्मच। मैं सारे को मिक्स कर लेती हूँ, ये बेसन और मैदा बैंडेड का काम करेगा सोयाबीन का। तो मैं सारे को मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से, आप लोग देख रहे हैं इस तरह से। तो काफ़ी बढ़िया लगता है ऐसे सब्जी। तो मैं इस तरह से मिक्स कर ले रही हूँ सारे को, अब देखिए कैसे बनहा जा रहा है इस तरह से, बिल्कुल मुलायम हो गया। अब मैं गैस पे थोड़ा रख दे रही हूँ पानी उबालने के लिए। ऐसे छलनी वाला थाली है, इसको मैं ले ली हूँ, जिसमें इसे थोड़ा सा ऑयल लगा ले रही हूँ, रिफाइन ऑयल, और इसी मैं वो करूँगी उबालने के लिए रखूँगी। इस तरह से कलम हो, कोई चीज़ हो, पेंसिल हो बच्चों का पढ़ने वाला, या कोई लकड़ी कुछ भी हो, देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से इसका करके इसका शेप बनाना बिल्कुल अच्छे से, इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से इसको मैं बना दे रही हूँ, दबा दबा के थोड़ा सा, ताकि बढ़िया से वाफ आ जाए, इसको पक जाए। देखिए इस तरह से कितना बढ़िया रहा देखने में। अब मैं सारे को ऐसे ही बना के रख दे रही हूँ। मैं इसी पानी, देखिए उबाल आ गया, मैं उसी पर रख दे रही हूँ, कम से कम 10 मिनट दोस्तों ये पक जाएगा बिल्कुल बढ़िया से।
10 मिनट मैं ऐसे छोड़ दी हूँ। देखिए बिल्कुल पक गया है। कैसे, मैं थोड़ा सा ठंडा हो गया तो मैं काट लेती हूँ। थोड़ा आराम से काटिएगा आप लोग, नहीं तो फूट जाता है, सारा फूट जाएगा। देखिए कैसे मैं आराम से ऐसे काट रही हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, एक बार बना खाएंगे नॉन वेज खाना भूल जाएंगे। इतना टेस्टी है सब्जी, लगेगा बिल्कुल स्वाद वही लगेगा। अब मैं तावे गैस पर रख दे रही हूँ तावा, इस पर मैं थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लगा दे रही हूँ और इसी पे मैं थोड़ा सा उसको इसको रख दे रही हूँ। थोड़ा सा सेक लूँगी इसको। आप लोग डीप फ्राई भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं ऐसा ही कर दे रही हूँ थोड़ा सा, इससे काफ़ी और अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा सा ऐसे अलट पलट कर दे रही हूँ इसको आराम से बिल्कुल। तो मैं इस तरह से इसको सारे को एक एक करके ऐसे अलट पलट कर दूंगी। अब बिल्कुल इस तरह से सारा हो गया, आप लोग देख रहे हैं। मैं इतना ही इसको चाहिए था, मैं गैस पे रख दे रही हूँ कढ़ाई। अब मैं डाल लूँ थोड़ा सा तेल सरसों का, एक तेज पत्ता, आधा चम्मच जीरा। अब जीरा हमारा थोड़ा चटक जाए तो मैं थोड़ा सा आधा चम्मच के लगभग हींग डाल दी, जो मैं मसाले का पेस्ट बना कर रखी थी वो मैं डाल दे रही हूँ। इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। इसी कटोरे में थोड़ा सा पानी मिला के मैं सारे मसाले को डाल दी। ये कश्मीरी लाल मिर्च है दोस्तों, कलर लाएगा बस, अच्छा लगेगा देखने में। इसे मैं डाल के मिक्स करके इसको ढक दे रही हूँ उबाल आने तक। देखिए कैसे पक रहा है, पक भी गया है इस तरह से। ये तो पहले से ही थोड़ा मसाला भुना था, ज़्यादा इसको भूनना नहीं है। अब मैं ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल दे रही हूँ दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग। जितना आप लोग को ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल दे सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल दी, कसूरी मेथी डाल दी थोड़ा सा। मैं सारे को मिक्स कर दे रही हूँ इस तरह से, बिल्कुल झटपट बन जाता है। और मैं सारे ऐसे देखिए जो थोड़ा सा सेक के रखी थी ये सोयाबीन बड़ी का मैं डाल दे रही हूँ इसी ग्रेवी में। कम से कम 3-4 मिनट इसको पकाना है धीमी आंच पे। आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल देखने में कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं। कोई यकीन नहीं मानेगा, सोयाबीन बड़ी की सब्जी है। आप लोग देख रहे हैं खाने में भी टेस्टी था, बहुत ही अच्छा। मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।